कामगार नेता तथा पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया की ओर से मुख्यमंत्री सहायता निधि में कोरोना पीड़ितों के लिए 6 लाख की निधि दी गई। मार्च 2020 से कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में अपने पैर पसारे हैं। भारत देश में भी कोरोना वायरस से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार पूरी तरह से बंद है। 15 मार्च से शाला, कॉलेज और 22 मार्च से संपूर्ण भारत भर 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। कोरोना से निर्माण हुई स्थिति से जरूरतमंदों को सहायता का हाथ देने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया ने स्वयं की ओर से 2 लाख रुपए की मदद मुख्यमंत्री सहायता निधि में दी। इसके अलावा उनके नेतृत्व में कार्यरत विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस प्रणित संगठना की ओर से 2 लाख रुपए, साथ ही नरेश बाबू पुगलिया इनकी अध्यक्षता में कार्यरत दी एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी चंद्रपुर, इंदिरा गांधी गार्डन स्कूल चंद्रपुर और न्यू इंग्लिश हाई स्कूल चंद्रपुर की ओर से 1 लाख और श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल ट्रस्ट की ओर से 1 लाख, ऐसे कुल 6 लाख रुपए का निधि मुख्यमंत्री सहायता निधि में दिया है। उक्त निधि युवा नेता राहुल पुगलिया ने शिष्टमंडल के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमनार इन्हें 3 अप्रैल को सुपुर्द किया। इस समय गजानन राव गावंडे अध्यक्ष विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस चंद्रपुर, एडवोकेट अविनाश ठावरी महासचिव चंद्रपुर जिला कांग्रेस कमेटी, अशोक नागपुरे नगर सेवक चंद्रपुर शहर महानगर पालिका, देवेंद्र पेले नगर सेवक चंद्रपुर शहर महानगर पालिका, तारा सिंह कलसी उपाध्यक्ष बल्लारपुर पेपर मिल मजदूर ट्रस्ट, वसंत मांढरे महासचिव बल्लारपुर पेपर मिल मजदूर ट्रस्ट, रामदास वागदरकर कोषाध्यक्ष बल्लारपुर पेपर मिल मजदूर ट्रस्ट, कृष्णन नायर कोषाध्यक्ष वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल ट्रस्ट, नासिर खान पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद बल्लारपुर ने इस समय उपस्थित थे।